गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लिसिडस का आखिरी चैप्टर रहेगा या फिर आखिरी लेक्चर रहेगा। बहुत लंबा समय हो गया है, करीब 9-10 हमने लेक्चर बना लिए हैं। अब टाइम आ गया है कि इसको हम फिनिश करें जितना हो सके उतना जल्दी। नाउ कंटिन्यू विथ लिसिडस एंड रीड। वीप नो मोर वो फुल शेपर्ड्स, वीप नो मोर फॉर लिसिडस योर सोरो इज नॉट डेड। ये कह रहा है कि वीप नो मोर। अब जो किसको कह रहा है, शेपर्ड्स को कह रहा है, जो उसके साथ में जो शेपर्ड थे उनको कह रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप क्राइंग, और अब हमें मोर नहीं करना चाहिए, अब हमें नहीं रोना चाहिए। या फिर वो अपने आप को शायद कंसोल कर रहा है कि आई शुड नॉट वीप द डेथ ऑफ डेड लिसिडस, फॉर लिसिडस योर सोरो इज नॉट डेड। तुम्हारा जो दुख है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। संक दाऊ ही बी बीनीथ द वाटरी फ्लोर, हालांकि वो क्या है, पानी के अंदर डूब गया। वाटरी फ्लोर मतलब पानी के अंदर डूब गया है। सो सिंक्स द डे स्टार इन द ओशियन बेड, वो इसी तरह से डूब गया है। यहाँ किसका प्रयोग किया गया है, सिमिली का प्रयोग किया गया है कि वो डूब गया है पानी में, जिस तरह से क्या डूब जाता है द डे स्टार। डे स्टार का मतलब यहाँ क्या, किसके लिए प्रयोग किया गया है, मेटाफर इज फॉर सन, सूर्य के लिए क्या है ये मेटाफर है डे स्टार, कि जो सूर्य दिन का जो तारा होता है वो डूब जाता है, उसी तरह क्या डूब गया है लिसिडस डूब गया है। लेकिन आगे क्या कह रहा है वो देखें। एंड येट एनन रिपेयर्स हिज ड्रॉपिंग हेड, लेकिन आने वाले समय में, एनन का मतलब होता है अनदर टाइम, और अगले दिन जो है द सन री अपीयर्स ऑन द होरिजन, क्षितिज पे सूर्य फिर से उगाता है। मतलब जिस तरह से सूरज डूबता है उसे अगले दिन ही क्या होता है, सूरज उगाता है। जिस तरह से एक सॉन्ग है, बॉलीवुड का सॉन्ग है, उसमें कि रात अगर छुपा ले सूरज तो क्या, रात को एक दिन ढलना ही है। उसी तरह से कह रहा है कि सूरज सुबह उठ के क्या वापस से खड़ा हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है। एंड ट्रिक्स हिज बीम्स एंड विथ न्यू स्प्लेंडेड स्पेंगल्ड, और स्पेंगल्ड का मतलब होता है ऑर्नामेंटेड, मतलब चारों तरफ क्या है ऑर्नामेंट, मतलब कि सूर्य स्वर्ण की तरह चमकता है, ठीक है। और का मतलब होता है किसी धातु की तरह है, क्या करता है, चमकता रहता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सूरज डूबता है लेकिन अगली सुबह ही वो क्या है वापस से उठाता है, ठीक है। फ्लेम्स इन द फोरहेड ऑफ द मॉर्निंग स्काई, और फिर से एक उजाला भर देता है इन द फोरहेड ऑफ स्काई, स्काई के माथे पे सुबह उग के ये क्या करता है वापस से सूर्य उगाता है। तो यहाँ फिर से किसका पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है कि फोरहेड ऑफ द मॉर्निंग स्काई। स्काई का कोई फोरहेड नहीं होता है, फोरहेड किसका होता है, इंसान का होता है। तो यहाँ फिर से क्या ट्रांसफर एपिटेप का यानी उसका पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। सो लिसिडस, इसीलिए इसी तरह से लिसिडस संक लो, जिस तरह से सूरज डूबता है उसी तरह से क्या डूब गया है लिसिडस डूब गया है। बट माउंटेड हाई, लेकिन फिर क्या हो गया है वो ऊपर उठ गया है, कैसे वो आगे वाली लाइन में बताएगा। थ्रू द डियर माइट ऑफ हिम दैट वॉक्ड द वेव्स, किसके बदौलत, जिसकी बदौलत है वो है, जिसकी बदौलत वो जो क्या है इन्हें वेव्स पे वॉक कर सकता है, वो जो समुद्र में चल सकता है, आसमान में उड़ सकता है, आग उसे जला नहीं सकती। मतलब कौन है, तो सुप्रीम पावर मतलब गॉड, ठीक है। तो किसकी वजह से, गॉड की वजह से। वेयर अदर ग्रोव्स एंड अदर स्ट्रीम्स अलोंग, वो चलता है, गाता है, फिरता है, सोता है, किसके अलग स्ट्रीम्स हैं उसके, अलग उसके लिए क्या है, अलग झाड़ झाड़ और पत्ते हैं या फिर अलग जंगल है। विथ नेक्टर प्योर हिज ओजी लॉक्स हैव ही लीव्स, उसके मतलब कि ये नेक्टर प्योर का, नेक्टर का मतलब होता है एक ऐसी ऐसा एक द्रव्य होता है जो भगवान या फिर जो बियॉन्ड वर्ल्डली थिंग्स होती हैं या फिर जो भगवान होता है वो उनको पीने के लिए काम में लेता है। तो कह रहा है कि उसके जो
ओजी लॉग्स हैं एंडे और लॉग्स ही लीव्स है, उसके जो फ्लो की तरह बाल होते हैं या फिर उसके जो लॉग्स हैं वो किससे धोता है? नेक्टर नेक्टर से धोता है। एंड हियर्स द अनएक्सप्रेसिव नेपचुअल न्यूप्टियल सॉन्ग। न्यूप्टियल सॉन्ग का मतलब यहाँ होता है, न्यूप्टियल का मतलब वैसे तो विवाह के अवसर पे जो गाने गाए जाते हैं उनके लिए है, लेकिन ये कह रहा है अनएक्सप्रेसिव न्यूप्टियल सॉन्ग का मतलब ये होता है कि किसी को आवाज़ नहीं सुनाई देती है। भगवान जो होते हैं या फिर स्वर्ग के जो वासी होते हैं या फिर जो देवी आत्माएं होती हैं वो आपस में बातें नहीं करती हैं, उनके जो विचार होते हैं या फिर उनके जो कहने का तरीका होता है वो अनएक्सप्रेसिव होता है, वो किसी तरह से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो शायद भावनाओं को समझ जाते हो या फिर उनके पास संचार का कोई और तरीका होता होगा। इन द ब्लेस्ड किंगडम मीक ऑफ जॉय एंड लव, एक ऐसी किंगडम जहां पर्याप्त क्या मिलता है, जो और लव मिलता है, वहां आपको पूरा रिवार्ड मिलता है, मीन पैराडाइज या फिर हेवन। तो वो रेज हो गया है, वो यहाँ से ख़त्म हो के सूरज जिस तरह से सुबह उगता है उसी तरह से वो स्वर्ग में रेज हो गया है, वो यहाँ तो डूब गया है लेकिन स्वर्ग में क्या हो गया है, रेज हो गया है। देर इंटरटेन हिम ऑल द सेंट्स अबोव, ऊपर के जो सारे संत्स हैं वो उसका इंटरटेनमेंट करते हैं। इन सोलम ट्रूप्स एंड स्वीट दैट सिंग एंड सिंगिंग इन देयर ग्लोरी मूव, वो लोग गाने गाते हैं उसके लिए, उसको इंटरटेनमेंट करते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, भगवान की ग्लोरी गाते रहते हैं। एंड वी वाइप द टीयर्स फ्रॉम फॉर एवर फ्रॉम हिज आईज, और उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उनको क्या करते हैं, पोंछ देते हैं हमेशा के लिए, उसके बाद में लिसिडास कभी नहीं रोएगा। नाउ लिसिडास द शेपर्ड वीप नो मोर, अब कह रहा है सीधा एपोस्ट्रोफी है, सीधा एड्रेस कर रहा है किसको, लिसिडास को। पहले वो अलग अलग चीज़ों को कर रहा था, अब सीधा क्या कर रहा है, लिसिडास को एड्रेस कर रहा है और कह रहा है नाउ लिसिडास द शेपर्ड वीप नो मोर, लिसिडास अब मत रो, हेंसफोर्थ थाउ आर्ट द जीनियस ऑफ द शोर इन द दाई लार्ज recompense and self be good to all that wander in that perilous flood, ये कह रहा है henceforth thou art the genius of the shore, और इसके साथ ही तुम क्या हो जाओगे, thou you are the genius of the shore, और तुम में genius of the shore बन जाओगे, मतलब the protector of the shore बन जाओगे, मतलब कि इसके बाद में तुम किसी भी शेपर्ड को तुम इस समुद्र में डूबने नहीं दोगे। एंड इन द लार्ज रिकम्पेंस, और इसका रिवार्ड ये रहेगा एंड शेल्ट बी गुड टू ऑल दैट वंडर इन दैट फेरिलस फ्लड, मतलब कि ये जो खतरनाक और अनसेफ फ्लड है, समुद्र है, इसमें तुम क्या करोगे, बाकी जो शेपर्ड्स हैं उनको क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, उनको सेफ रखोगे या फिर उनको डूबने से बचाओगे। दिस इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ आवर पोएम, सो रीड इट वेरी केयरफुली। दस आगे वाला है, दस सिंग द अनकोथ स्वेन टू The oaks and the rills, ये वाली जो ऊपर की बातें हैं, thus sang the uncouth swain, uncouth का मतलब होता है unknown या फिर unmannered आप कह सकते हैं, ठीक है, तो एक unknown swain है, swain का मतलब यहाँ कोई इंसान, ठीक है, कोई एक इंसान जो क्या करता है, इंसानियत से प्यार करता है, कोई एक आदमी, एक आवारा आदमी जो कि क्या है, मतलब कि उसको अननोन आदमी जो कि क्या कर रहा है, ये वाली बातें जो ऊपर की बातें हैं, मतलब कि ये वाली बातें कौन नहीं लिख रहा है, पोइट नहीं लिख रहा है, यहाँ एक क्या है, एक फिर से क्या आया है, ट्विस्ट आया है कि ये जो ऊपर वाली बातें हैं वो कोई एक आदमी गा रहा है, टू द ओक्स एंड टू द रिल्स, ये वाली बातें कोई आदमी ओक के पेड़ों के बीच में बैठा होगा या फिर घूमता फिरता एक पागल की तरह घूम रहा है, एंड ही इज सिंगिंग दीज लाइंस टू द रिल्स, छोटे छोटे नाले उनके पास बैठा गा रहा है, पेड़ों के बीच में से गा रहा है। वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विथ सैंडल्स ग्रे, मतलब कि फिर से क्या है,
सुबह उगाई है, मतलब कि वो कब गा रहा है, सुबह भी गा रहा है, ठीक है। ही टच्ड द टेंडर स्टॉप्स ऑफ वेरियस क्विल्स, ठीक है, ये कह रहा है, टच द टेंडर स्टॉप ऑफ वेरियस क्विल्स, क्विल्स का मतलब कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अपने हैंडमेड किसी इंस्ट्रूमेंट को वो गा रहा है, बजा रहा है, उसके साथ में वो बजा रहा है। विथ ईगर थॉट वेबलिंग हिज ड्रॉइकले, और विथ ईगर और उत्साह के साथ, थॉटफुल है वो उसकी बातों में विचार है। वेबलिंग का मतलब होता है एक धुन, एक सुर को दबा के दूसरा सुर गाना, मतलब कि उतावलेपन में गा रहा है। हिज ड्रॉइकले ये कोई एंशियंट स्टाइल ऑफ सिंगिंग द पोइट्री है, या फिर गाने गाने की कोई एंशियंट स्टाइल है, उसमें वो क्या कर रहा है, ये गाने गा रहा है। एंड नाउ द सन हैड स्ट्रेच्ड आउट, अब जो सूरज है ये स्ट्रेच्ड आउट ऑल द हिल्स, ठीक है, ये अब सूरज स्ट्रेच आउट मतलब कि इन पहाड़ियों से उधर दूर चला गया है, मतलब कि अब डूबने वाला है, मतलब कि वो सुबह भी गा रहा था और अब भी गा रहा है, ठीक है। एंड नाउ द सन हैज स्ट्रेच्ड आउट ऑल द हिल्स, और वो ये पहाड़ियों के उस तरफ चला गया है। एंड नाउ वाज ड्रॉप्ड इनटू द वेस्टर्न बे, और ये जो पूर्व की जो खाड़ी है उसमें वो गिर गया है, समुद्र गिर गया है। इसका मतलब है जिस तरह से लिसिडास मर गया था उसी तरह से अब क्या है, सूरज भी डूबने वाला है फिर से रीजनरेट होने के लिए, या फिर सुबह उगने के लिए, क्या है, सूरज अब वेस्टर्न बे में गिर गया है। एट लास्ट हीरोज, और आखिर में वो उठता है, कौन उठता है, सूरज नहीं, ये किसकी बात कर रहा है, द सिंगर, वो आदमी जो कि ऊपर वाली कविता गा रहा था। एंड ट्विस्ट हिज मेंटल ब्लू, अब मेंटल ब्लू इसका क्या है, या तो फिर उसके कोई गारमेंट्स होंगे, या फिर ठीक है, तो उसके जो ट्विस्ट हिज मेंटल ब्लू, अपने गारमेंट्स उठाता है, टुमारो टू फ्रेश वुड्स, टू टुमारो, और वो चल देता है, टू टुमारो कल के लिए चल देता है, टू फ्रेश वुड्स, फिर से किसी जंगल में ये वाली कहानी सुनाने के लिए, ये वाला गीत गाने के लिए। एंड पास्चर्स न्यू, और शायद किसी नए खेतों में, किसी नए मैदानों में, नए जंगलों में वो शायद ये वाली बातें गाएगा, मतलब कि क्या है, एक शेपर्ड है ये कोई, या फिर वो है, वो लिसिडास की याद में क्या हो गया है, पागल है, या फिर इतनी वो इतना दुखी है कि वो गा रहा है, फिर वो यहाँ गा रहा है आज, और कल किसी नए में ये कहानी सुना रहा होगा। तो इसका मतलब हमें ये नहीं है कि ये कहानी कोई पागल आदमी ही गा रहा है, हो सकता कवि खुद अपने आप को अज्यूम कर रहा है इस कंडीशन में कि वो आज हमेशा लिसिडास के बारे में गाता रहेगा, वो अपने आप को कंसोल भी कर रहा है कि लिसिडास अब मत रो, या फिर और जो शेपर्ड्स हैं उनको कह रहा है कि मत रो, लेकिन वो इस गाने को बार बार दोहरा रहा है। इसका मतलब है कि अभी उसका दर्द भरा नहीं है, उसका जो जख्म है अभी क्या है, हरा भरा ही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये कविता कहने वाला हो सकता है कोई शेपर्ड हो, शेपर्ड की बात को कवि ने अपनी लाइन में लिखा है, या फिर हो सकता है वो अपने आप को शेपर्ड अज्यूम कर रहा है, ठीक है, द वंडरर शेपर्ड, ठीक है, अनकोथ स्वेन, अपने आप को भी अजूम कर सकता है। तो ये हमारी एक कविता थी, वाकई ये बहुत लंबी कविता थी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत कविता थी, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी इसमें। हमने देखा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को नई नई मिली है। सबसे पहली बात तो हमने ये देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा एपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया है, ठीक है, सिमिली का प्रयोग हमने देखा कि बहुत जगह इसने सिमिली का प्रयोग करा है, बहुत जगह हमने देखा है कि मेटाफर, आज जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा कि ये मेटाफर प्रयोग किया गया है, कौन सा था मैं एक बार देखता हूँ, डे स्टार, सूरज के लिए डे स्टार का मेटाफर यूज़ किया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अपोस्ट्रोफी तो हो ही गया, सिमिली हो गया, मेटाफर भी हो गया, कई जगह हमने देखा पर्सोनिफिकेशन का भी प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये हमारी एक कविता थी, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, और बहुत सारी चीज़ें अभी आपको पढ़ना है,
तो कुछ भी जो नोट्स मैं भेज रहा हूँ उसमें आप ध्यान रखना, जो कुछ बच गया मैं उनमें पढ़ा दूँगा।